भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि सोडियम वेपर लैंप क्या होता है, क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप का अध्ययन करेंगे और सोडियम वाष्प लैंप कितने प्रकार के होते हैं और ये किस कैटेगरी का लैंप है। वैसे आपको मैंने बता दिया था कि ये गैस विसर्जन लैंप की श्रेणी में आता है और मैंने आपको बताया था कि लैंप तीन प्रकार के होंगे, एक इनकैंडेसेंट लैंप होगा, एक गैस डिस्चार्ज लैंप होगा और एक आर्क लैंप होगा। तो इनकैंडेसेंट लैंप का अध्ययन कर लिया और गैस विसर्जन कहने का मतलब कि गैस डिस्चार्ज लैंप का अध्ययन चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने मरकरी वेपर लैंप का तो अध्ययन कर लिया। आज इस वीडियो में देखेंगे सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप में दो प्रकार के लैंप पड़ेंगे, हाई प्रेशर और लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। दोनों का बारीकी से अध्ययन करेंगे और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दोनों की लैंप की आउटपुट अवाकेने लैंपों से अच्छी है, मृत दक्षता अच्छी है और दोनों लैंप इंपॉर्टेंट है इसलिए हैं कि दोनों ही लैंप हैं जो आउटपुट अच्छी देते हैं और रोशनी अच्छी प्रदान करते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए बारीकी से अध्ययन करेंगे। दोनों लैंपों के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में देखोगे तो काफी बार पूछे गए हैं। इनमें सर्किट डायग्राम भी आपको बताऊंगा, सर्किट डायग्राम में किस प्रकार संयोजन होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। और आप लोग अध्ययन कर रहे हो, जैसे आप लोगों ने पीछे की वीडियो देखे होंगे, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मैं कितनी बारीकी से पढ़ाता हूँ, कितनी डीपली पढ़ाता हूँ, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो एग्जाम में आपके सामने आया हो और आप उसका आंसर नहीं दे पाओ। बस अपनी एक इच्छा रहती है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए, कैसे भी हो अपन बारीकी से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, नियमित पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे, सब तथ्य देखेंगे ताकि वो क्वेश्चन छूट न जाए। और आप लोगों को पता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के आपको फ्री में कोर्स करवाया जा रहा है, जिससे कि आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। और एक प्लेलिस्ट को इस प्रकार से क्रिएट किया है, 200-300 लगभग वीडियो चले गए हैं और शायद 50-60 वीडियो और बन जाएंगे, कि पूरा नियमित पैटर्न के आधार पर कॉन्सेप्टुअल थ्योरी का वर्गीकरण किया गया है। आप यदि एक बार वीडियो देखकर यदि उनमें नोट्स बना भी लेते हो तो शायद ही कोई एग्जाम होगी जिसमें आपका क्वेश्चन छूटने वाला हो। चलिए दोस्तों, को बात नहीं, आज की इस वीडियो में देखेंगे सोडियम वेपर लैंप का, किसका करेंगे, सोडियम वेपर लैंप का अध्ययन करेंगे, सोडियम वेपर लैंप का इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसको कहेंगे सोडियम वाष्प लैंप, किसका कहेंगे, सोडियम वाष्प लैंप इसका अध्ययन करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले तो देखना है कि ये किस प्रकार का लैंप है। वैसे आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि अपना ये सेकंड नंबर का जो लैंप चला हुआ है गैस डिस्चार्ज लैंप, तो ये कह सकते हैं कौन सा लैंप है, ये गैस डिस्चार्ज लैंप है, गैस विसर्जन लैंप की श्रेणी में आता है। और गैस विसर्जन लैंप क्या होते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बनाकर आपको बता चुका हूँ कि गैस का विसर्जन कैसे होगा, रोशनी कैसे मिलेगी आप लोगों को, इसको कहेंगे गैस विसर्जन, मतलब कि गैस डिस्चार्ज लैंप। क्या कहेंगे, गैस डिस्चार्ज, कैसे गैस डिस्चार्ज होती है, कैसे आपको रोशनी मिलती है, आप लोग जाकर देखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यह गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आता है, एक तो ये देखना है। उसके बाद में देखेंगे कि आप लोगों ने मरकरी वेपर लैंप देखा, उसका रोशनी कैसे थी, नीले रंग की रोशनी थी, उनके सफेद मिक्स के साथ नीले रंग की रोशनी थी, ये कह सकते हैं नीला प्लस सफेद रंग की रोशनी मिली थी आपको, ठीक है। और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि रोशनी कैसे मिलेगी, पीले रंग की रोशनी मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम वेपर लैंप पीले रंग की रोशनी देगा, वो सफेद रंग की रोशनी देता था और ये पीले रंग की रोशनी देगा, पीले रंग की रोशनी होती है इससे। यही प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के लैंप में पीले रंग की रोशनी होती है, गुलाबी रंग की रोशनी होती है, ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं। और देखा जाए तो अन्य लैंप आप लोगों ने अब तक देखे हैं और देखेंगे आगे, न्यू लैंप देखेंगे, आर्क लैंप देखेंगे, अन्य लैंपों की तुलना में इस लैंप की रोशनी 3 गुना अधिक होती है, ऐसे मान लो कि 3 गुना अधिक प्रकाश देता है। क्या देता है, अन्य लैंपों की अपेक्षा, अन्य लैंपों की अपेक्षा ये 3 गुना प्रकाश अधिक देता है, 3 गुना प्रकाश अधिक देता है। आप देखो 3 गुना कैसे, आप लोग देख चुके हो, बाकी जैसे आप लोगों ने ट्यूबलाइट देखी तो 30-40 लुमेन प्रति वाट, इनकैंडेसेंट लैंप देखा 10-20 लुमेन प्रति वाट, फिर आप लोगों ने मरकरी वेपर लैंप देखे 50 लुमेन प्रति वाट तक पहुंचे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में देखेंगे ये लैंप कितने देता है, 110-150 लुमेन प्रति वाट की रोशनी प्रदान करने वाला है। अब आप समझ सकते हो कि 110 लुमेन प्रति वाट की रोशनी जो लैंप देगा और 400 वाट का लैंप लगा दोगे तो वहां पे आपको सब कुछ, रात को अंधेरे में सुई भी नजर यदि नीचे गिर जाती है तो वो भी आपको दिखाई देने लग जाती है,
इतनी रोशनी देता है। और सबसे बड़ी विशेषता रहेगी इस लैंप की, इस लैंप की रोशनी की सबसे बड़ी विशेषता रहेगी, आपको उपयोग बताऊंगा कि ये लैंप की रोशनी कोहरे को भेद सकती है, बाकी कोई रोशनी नहीं भेद सकती, वो भी बताऊंगा। तो इसकी लैंप की दक्षता के 3 गुना प्रकाश अधिक देता है आप लोगों को, इसलिए इसकी दक्षता अन्य लैंपों की तुलना से अधिक होती है। दक्षता कैसी होती है इसकी, दक्षता कैसी होती है, उच्च होती है इसकी, किससे, अन्य लैंपों की तुलना में उच्च होती है, ऐसे मान लो दक्षता उच्च होती है, आउटपुट उच्च होती है, ठीक है। अब आप लोग ये देखोगे ये किस पर प्रचलित होगा, एसी या डीसी, मैं सबसे पहले पूरे इस सोडियम लैंप की बात कर रहा हूँ, एसी पर ही चालू होता है, एसी पर ही कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य करने वाला नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कौन सा लैंप डीसी पर कार्य करता है, गैस डिस्चार्ज लैंप में कौन सा लैंप डीसी पर कार्य करता है, आप कमेंट से लिख के बताना, सोडियम तो नहीं करता। तो गैस डिस्चार्ज लैंप में सोडियम मतलब कि एसी पर कार्य करता है, फिर कौन सा लैंप ऐसा है जो डीसी पर कार्य कर सकता है, वो आप कमेंट से लिख के जरूर बताना। यदि आपने मेरे पीछे की वीडियो देखी होंगी तो ध्यान होगा सब कुछ आप लोगों को, ठीक है। ये मैं गैस डिस्चार्ज लैंप की बात करूं, इनकैंडेसेंट लैंप तो करते ही हैं, डीसी पर कार्य करते हैं, आर्क लैंप करते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप में कौन सा लैंप होगा जो डीसी पर भी कार्य कर सकता है, ठीक है, ये तो एसी पर कार्य करेगा। अब इसकी बात करूं, इसकी आयु की बात की जाए, इसकी औसत आयु किसको मानते हैं, यही प्रश्न जो छोटे छोटे मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न काफी बार आपके दिमाग में एक जगह बन जाते हैं कि सध्या नहीं है। औसत आयु की बात, औसत आयु कैसे कहेंगे, जैसे एक बार आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद यदि लैंप 3 घंटे जलता है तो उसकी औसत आयु मान लो कि इस प्रकार ये लैंप जलता है तो वो एक औसत आयु है कि ये एवरेज में इसकी आयु निकाल लेते हैं, लगभग 6000 घंटे कार्य, 6000 घंटे से अधिक कार्य करता है। 6000 घंटे में देखा जाए तो आप काम करते हो, यदि सही मायने से देखा जाए इसके नियमों का शर्त का पालन किया तो 24-24 हज़ार घंटे इसकी लाइफ चली जाती है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 3000 यदि एक बार स्विच ऑन करने के बाद 3 घंटे यदि रोशनी मिलती है, बल्ब जलता है, तो ये लैंप 6000 घंटे से अधिक घंटे तक कार्य कर सकता है, समझ गए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि गैस डिस्चार्ज लैंप मैंने आपको शुरू में बताया 2 प्रकार के होते हैं, याद होगा गैस डिस्चार्ज लैंप कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, एक कोल्ड कैथोड और एक हॉट कैथोड था। तो आपको मैंने बताया था ये कोल्ड कैथोड वाले आते हैं, सोडियम लैंप सारे कोल्ड कैथोड में आते हैं और मर्करी वाले हॉट कैथोड में आते हैं। तो ये कौन सा है, ये कोल्ड कैथोड गैस डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आता है। क्या लिखेंगे इसके बारे में, गैस डिस्चार्ज लैंप तो है, कौन सा है, कोल्ड कैथोड, कोल्ड कैथोड गैस डिस्चार्ज लैंप, ये कौन सा आता है, कोल्ड कैथोड में आता है, याद रखना गैस डिस्चार्ज लैंप में कौन सा है, कोल्ड कैथोड में आता है। ये तो थे इसकी कुछ विशेषताएं। और पूछा जाए आपसे कि इसकी आउटपुट कितनी होती है, सबसे अधिक होती है, कितनी होती है इसकी आउटपुट, दक्षता कितनी होती है, आउटपुट की बात की जाए आउटपुट 110 लुमेन प्रति वाट के करीब होती है, 110 लुमेन प्रति वाट से 150 लुमेन प्रति वाट तक चली जाती है। 150 कौन सा होगा आपको बताऊंगा, 150 किसकी होगी, 150 लुमेन प्रति वाट तक हो सकती है इसकी। और लुमेन प्रति वाट आपको बताया मैंने, किसी रोशनी प्रदान करने वाले उपकरण जैसे बल्ब होगा उसकी दक्षता, उसकी क्षमता होती है, कितने सॉरी दक्षता होती है, कितनी रोशनी प्रदान कर सकता है। ये तो थी बात इसकी। अब ये कितने प्रकार के होंगे, कौन से सोडियम वेपर लैंप होंगे, 2 प्रकार के, कितने होंगे, 2 प्रकार के होंगे। अब कौन कौन से रहेंगे, 2 प्रकार आपको दिखा देता हूँ, 2 प्रकार, एक तो रहेगा लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, लो प्रेशर LPSV लैंप, कितना रहेगा LPSV, और एक रहेगा HPSV लैंप, दोनों रहेंगे। इसमें भी आपको कैटेगरी बताऊंगा, जैसे टिन ऑक्साइड वाला होगा, बोरियम ऑक्साइड वाला होगा, कौन सा होगा सब बताऊंगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, दोनों की संरचना के बारे में देखिए। इसको मैं आपको लिखवा दूंगा कि लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप आता है, इसको फुल फॉर्म देखा जाए LPSV की, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, निम्न दाब सोडियम वाष्प लैंप होता है और ये उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप होता है। तो बारीकी से दोनों का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले लो प्रेशर वाला की बात कर लेते हैं, मैंने आपको बाकी बता दी सारी बातें, बाकी इस लो प्रेशर वाले की बात करेंगे, इसकी ट्यूब कैसी होती है, गैस का विसर्जन कैसे होता है, रोशनी कैसे देता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं LPSV की बात करते हैं, क्या लिखेंगे LPSV, इसको कहेंगे लो प्रेशर, लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप आता है, ये आता है। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिखेंगे निम्न दाब, निम्न दाब
सोडियम वाष्प लैंप होता है, निम्न दाब सोडियम वाष्प लैंप होता है। अब निम्न दाब क्यों कहेंगे और उच्च दाब क्यों कहेंगे, किस प्रकार इनका निम्न दाब और उच्च दाब पर नाम रखा गया था, नाम रखा गया था, वो बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले किसका यदि इसका यदि बात करें तो निम्न दाब वाले की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके देखेंगे संरचना, किस प्रकार संरचना होती है, क्या क्या संरचना में मतलब कि इसकी व्यवस्था रखी जाती है। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ, इसका निर्माण दिखा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन संरचना दिखा देता हूँ इसकी, क्या लिखेंगे संरचना कंस्ट्रक्शन। देखो कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि गैस डिस्चार्ज लैम्बिक ट्यूब होती है, कांच की ट्यूब होती है और उसमें गैस का विसर्जन किया जाता है। यदि लो प्रेशर होगा तो कुछ हल्का कांच ले लेंगे और यदि हाई प्रेशर वाला होगा तो कुछ मजबूत कांच लेंगे कि प्रेशर के साथ ट्यूब फट ना जाए, समझना मेरी बात को, प्रेशर के साथ ट्यूब फट ना जाए। इसलिए हर बार मैंने आपको बताया था कि जैसे बोरोसिलिकेट की ट्यूब आपने ने हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में किसकी ट्यूब ली थी, बोरोसिलिकेट की, क्यों, इसलिए ली थी कि वहाँ हाई प्रेशर होता है। फिर उसमें एम्बी टाइप देखा, उसमें कितनी उसमें किसकी ट्यूब ली थी, क्वार्टज की, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ होता है इसलिए वो क्वार्टज टेम्परेचर भी सहन कर सकता है और इंसुलेशन भी होता है और हाई प्रेशर भी सहन कर सकता है, इसलिए वहाँ पर क्वार्टज की ली थी, आप लोगों को ध्यान होगा। और एम ए टी और एम ए टाइप भी किसकी ली थी, बोरोसिलिकेट की ट्यूब ली थी, तो यहाँ भी बोरोसिलिकेट की ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ किसकी ट्यूब लेंगे, एक ट्यूब लेंगे, ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड रखेंगे, वहाँ गैस रखेंगे, इलेक्ट्रोड में सप्लाई प्रदान करेंगे, गैस का विसर्जन होगा और आप लोगों को रोशनी मिलेगी। तो कह सकते हैं यहाँ पे इस लैंप में एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इस लैंप में एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, कैसी होगी, यू आकार की होगी। आपको बताऊं यू आकार की क्यों होती है, गैस डिस्चार्ज लैंप में लो प्रेशर के साथ क्या भरेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, फिर मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। गैस डिस्चार्ज लैंप होगी, जो ट्यूब होगी उसमें लो प्रेशर के साथ नियोन गैस भरेंगे और नियोन गैस के साथ क्या भरेंगे, सोडियम भरेंगे, किसमें, लो प्रेशर के साथ सोडियम भरेंगे। और सोडियम आपको पता है कि यदि ठंडा होता है तो कठोर अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जब ऊष्मा मिलती है तो वाष्प बनता है, वाष्प बनता है तो आपको पीले रंग की रोशनी मिलती है या गुलाबी रंग की रोशनी मिलती है, समझ गए। अब उसमें नियोन गैस के साथ आर्गन गैस भी भरेंगे, कुछ 1% के करीब आर्गन गैस भी भर देंगे, क्योंकि आर्गन गैस और नियोन गैस दोनों ही निष्क्रिय गैस होती है, क्रिप्टन गैस भी होती है। आर्गन गैस का टेम्परेचर कोफिशिएंट निम्न होता है कि वो थोड़ी सी ऊष्मा पार करके गर्म हो जाती है, नियोन गैस थोड़ी सी ऊष्मा और ज्यादा लेती है, ठीक है, ये होता है। चलो मैं आपको इसकी संरचना दिखा देता हूँ कि इसके यू आकार के कैसे है। तो क्या कहेंगे, यहाँ एक यू आकार की गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ऐसी ऐसी होती है, कैसी होगी, पतली ट्यूब होगी, ये होती है यू आकार की गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसको क्या कह सकते हैं, आर्क ट्यूब भी बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर्क ट्यूब भी बोल सकते हैं, इसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हैं, गैस विसर्जन नलिका कह सकते हैं, जिसके अंदर गैस का विसर्जन होगा। एक यू आकार की ट्यूब ले लिया आप लोगों ने, समझना मेरी बात को, ये ले लिया। अब यू आकार की क्यों लिया बताऊंगा, उससे पहले लिखेंगे कि गैस डिस्चार्ज लैंप के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर क्या रखेंगे, दो इलेक्ट्रोड रखेंगे, किसके रखेंगे, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड रखेंगे, याद रखना। तो यहां दो इलेक्ट्रोड रख देता हूं मैं, कैसे होंगे, कुंडलित होंगे, क्वाइल के रूप में होंगे, ऐसे ये होंगे, दो इलेक्ट्रोड रखें, चलो दोनों इलेक्ट्रोड रखे, इसको सप्लाई देंगे, सप्लाई से संयोजित करेंगे, याद रखना मेरी बात को, दो इलेक्ट्रोड रखे। अब क्या करेंगे, इस ट्यूब का जो प्रकाश होता है सोडियम का, वो जो भारी वातावरण होता है ना, भारी जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उससे प्रभावित होता है, उससे प्रभावित होगा तो प्रकाश नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसके बाहर का टेम्परेचर इस ट्यूब के ऊपर न जाए, इसलिए उसको एक वैक्यूम ट्यूब, दोहरी परत वाली वैक्यूम कांच की ट्यूब में बंद कर देंगे, किसमें, एक इसमें बाहरी कांच की ट्यूब से, ऐसे ये लेंगे। अब ये क्यों लिया आपको बताऊंगा, देखो ये ले लिया आप लोगों ने एक कांच की ट्यूब, कैसे लेंगे, दोहरी परत वाली लेंगे, जो अंदर से वैक्यूम होगी, ये कर दी, सारी बातें क्या बताऊंगा आपसे, पूछ भी ले जाते, याद रखा आपको, ध्यान रहेगा। ये एक ट्यूब ले ली कांच की, इसमें क्या रहेगा, ये वैक्यूम रहेगी, वैक्यूम का मतलब समझते हो आप लोग, इसको कहेंगे निर्वात, निर्वात होती है, सारी बातें लिखाऊंगा आप लोगों को, निर्वात क्या होती है, इसमें हवा गैस कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल स्पेस खाली होता अंदर से। अब यहां से इसको बंद कर दें, ऐसे यहां ट्यूब लगा दी, और चलो इलेक्ट्रोड कुछ छोटा बन गया, इलेक्ट्रोड दिखा दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब यहां क्या होगा, इस ट्यूब को यहां से ऐसे बंद कर देंगे,
फिर यहाँ से ये लैंप होता है, ऐसे एक कैप होती है, ये दो पिन होते हैं यहाँ पे, ऐसे होता है लैंप, इस प्रकार का होता है। चलो यहाँ से आप देख रहे हो, अब मैं इसका नाम लिखा दूँ, ये क्या है, ये आपकी कैप रहेगी, ये क्या है कैप, ये कैप, इसमें यहाँ जो जो पॉइंट मिलेगा इसमें पॉइंट में दो आपको दो पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ये मिलेगा, इसमें संयोजन करके दिखाऊंगा। डायरेक्ट संयोजन कहाँ जाता है, सीधे किसी डायरेक्ट संयोजन इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं, ये सीधे संयोजन इलेक्ट्रोड के पास चले गए, देख रहे हैं आप लोगों को, ये वैक्यूम ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या है देखो, इस ट्यूब में ये हो गया आपका सोडियम, सोडियम होगा, सोडियम के साथ प्लस क्या होगा, नियोन गैस होगी, नियोन गैस के साथ क्या होगी, आर्गन गैस होगी, कितनी होगी 1% के लगभग होगी, इसमें पक्की नियोन गैस होती है, सोडियम होता है, कैसे होंगे दोनों के दोनों, लो प्रेशर के साथ होंगे, कैसे होंगे लो प्रेशर के साथ होंगे, मैं लिखता हूँ LP लो प्रेशर, ये तो हो गया यहाँ पे। अब ये ट्यूब किसकी, देखो ये क्या है, यू शेप, यू आकार की गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब या नलिका बोल सकते हैं, आर्क ट्यूब बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और ये कैसी है, डबल वॉल्ड है, ये डबल कोटेड है, डबल वॉल वैक्यूम, डबल वॉल वैक्यूम ग्लास ट्यूब, ये इनर ट्यूब है या आउटर ट्यूब है, और ये आपके रहेंगे दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कैसे रहेंगे, टंगस्टन के होंगे, टंगस्टन ऑक्साइड कोटेड, ऑक्साइड की पर चढ़ी है इसके ऊपर, ऑक्साइड में क्या होगा आपको बताऊंगा, और ये आपके कैप हो गई, ये कॉन्टेक्ट पिन हो गए, ये आपका सिस्टम हो गया पूरा, ठीक है। अब संरचना में क्या लिखेंगे, देखो यहां संरचना लिखेंगे, इसकी डिस्चार्ज ट्यूब कैसी है, तो लिख सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब की यदि बात की जाए कैसी है, यू आकार की है, एक तो मिल जाएगी यू आकार की, कौन से में, LPSB लैंप में यू आकार की होती है, यू आकार की होती है, एक तो ये देख लेना उसमें। फिर उसके बाद में होते थे कि इसमें गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर के साथ, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लिख लो, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर के साथ, लो प्रेशर के साथ क्या होगा, देखो लो प्रेशर के साथ क्या भरा इसमें, सोडियम, क्या भरा लो प्रेशर के साथ, सोडियम भरा इसमें, सोडियम प्लस और क्या है, नियोन गैस है, नियोन गैस है, और प्लस क्या है, 1% ऑर्गन गैस है, 1% ऑर्गन गैस है, ऑर्गन में निष्क्रिय, दोनों के दोनों निष्क्रिय गैस है, दोनों के दोनों क्या है, निष्क्रिय गैस है, लो प्रेशर के साथ भरी है। अब इसको यू आकार की क्यों की, सबसे पहले आपको पूरी बात बताऊंगा, यहां से अंदर से चलेंगे, इलेक्ट्रोड भी दिखाऊंगा, पहले ट्यूब की बात करी, इसमें क्या भर दिया, ये भर दिया, और बाकी दिखाएंगे इसमें यू आकार की कैसे की। देखो गैस के निम्न दाब के कारण, जिस लो प्रेशर के साथ क्या है, इसमें गैस है, गैस के निम्न दाब के कारण प्रत्येक आयतन ऊर्जा कम होती है, क्योंकि प्रेशर का ऊर्जा जो इसके अंदर ऊर्जा जो जनरेट होगी वो बहुत कम होगी, कम होगी, तो यदि चौड़ी ट्यूब कर देंगे, ऐसी मोटी ट्यूब कर देंगे तो उसमें रोशनी नहीं मिलेगी, तो पतली ट्यूब कर देंगे, पतली कर दी, पतली ट्यूब की लंबाई बढ़ा दें, पतली ट्यूब की लंबाई बढ़ा देंगे, क्योंकि आयतन कम होगा, आयतन ज़्यादा ले लेंगे तो वो पूरा नहीं होगा, आयतन बढ़ा देंगे ऐसा, तो आयतन तो उतना ही होगा लेकिन लंबाई कर लेंगे पूरी इसकी, तो रोशनी ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि एरिया ज़्यादा, स्पेस ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को, इसलिए कह सकते हैं गैस के निम्न दाब के कारण प्रति इकाई आयतन ऊर्जा कम होती है, लिख लो ये बात, इसकी बात कर रहा हूँ, ये यू आकार की क्योंकि गैस के निम्न दाब के कारण प्रति इकाई आयतन ऊर्जा कम होती है, एक तो ये थी, दूसरा रीजन आता देखो इस कारण से इसको यू आकार की, दूसरा रीजन क्यों, देखो यहां लिख सकते गैस को यू आकार शेप, यू आकार की बनाने का कारण क्या था, क्यों इसको यू आकार की बनाएंगे, सीधी बना सकते थे, एक तो लिखवा दे मैंने कि निम्न गैस का निम्न दाब का, दूसरा कारण कि लैंप में धारा घनत्व का मान निश्चित मान से अधिक होता है, धारा घनत्व बढ़ता है लैंप में, लैंप में धारा बढ़ेगी, धारा का घनत्व बढ़ेगा तो सोडियम वाष्प की दक्षता घटेगी अभी, क्योंकि सोडियम वाष्प है जो कम है तो दक्षता घटेगी, क्योंकि धारा बढ़ जाएगी सोडियम वाष्प की बनेगी तो दक्षता घटेगी, इसलिए लिख सकते हैं कि लैंप में धारा घनत्व का मान निश्चित मान से अधिक बढ़ता है
तो लैंप में सोडियम वेपर सोडियम वाष्प की दक्षता घटती है। इसलिए सोडियम वेपर लैंप को निम्न धारा घनत्व पर प्रचालित करने के लिए ट्यूब का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है। दूसरा कारण हमने आपको बताया है, क्योंकि क्या लिखेंगे, जब लैंप को लैंप में धारा घनत्व का मान एक निश्चित मान से अधिक बढ़ता है तो सोडियम वेपर लैंप की दक्षता घटती है। ठीक है, इसलिए सोडियम वेपर लैंप में लैंप को निम्न धारा घनत्व पर प्रचालित करने के लिए ट्यूब का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है। आयतन तो उतना ही रहना है, आयतन तो जितना गैस का आयतन है उतना ही आयतन तो उतना ही है। आयतन रहेगा तो पतली कर देंगे, क्षेत्रफल इसका लंबी कर देंगे, इतनी लंबी कर दी, क्षेत्रफल अधिक मिल गया। आयतन तो उतना ही हुआ, जैसे इतना मोटा है, जैसे एक गिलास में एक लीटर पानी आता है, इतना मोटा गिलास है। अब गिलास को पतला कर देंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आयतन तो उतना ही है, पानी तो उतना ही आया उसमें, एक लीटर पानी। फिर और पतला करेंगे और लंबा हो जाएगा, उसी प्रकार इसको लंबा कर देंगे, आयतन उतना ही रहता है लेकिन क्षेत्रफल अधिक कर देंगे। इसलिए यहाँ पे लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए लंबाई को कम करने के लिए इसको यू आकार में मोड़ा जाता है। इसलिए इस लंबाई को कम करने के लिए लंबी ट्यूब कम स्थान घेरे, कम स्थान रोके, इसलिए इस ट्यूब को यू आकार में मोड़ा जाता है। एक तो ये है, ठीक है ना। और इसको लंबाई अधिक क्यों रखी जाती है, क्योंकि लैंप की रोशनी, सबसे बड़ी बात निकल के आती है इसका, लैंप की रोशनी कौन सी की, SLPSV लैंप की रोशनी, या सोडियम वेपर लैंप की बात करता हूं, सोडियम वेपर लैंप की रोशनी की बात करता हूं, जो प्रकाश मिलता है उसकी बात करता हूं, 7.5 क्या है, 7. सोडियम वेपर लैंप की बात करता हूं, किसकी, लो प्रेशर की बात कर लेता हूं, 7.5 कैंडल पावर प्रति वाट ये आता है, सॉरी 7.5 कैंडल पावर प्रति सेंटीमीटर इसकी रोशनी मिलती है सोडियम वेपर लैंप की। अब इसके लिए क्षेत्रफल अधिक रखना पड़ता है, इसके लिए लंबाई अधिक रखनी पड़ती है, कि 7.5 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर है, तो पर सेंटीमीटर का है तो इसमें लंबाई अधिक रखेंगे, अधिक लंबाई इसको यू आकार में मुड़ जाती है। इसलिए लिख लो, 2-3 नंबर आपको कारण दे, कोई भी कारण पूछा जाए कि परीक्षा में यू आकार की ट्यूब क्यों रखी जाती है। एक तो मैंने आपको बताया था शुरू में, दूसरा बताया कि जब धारा घनत्व का मान अधिक बढ़ता तो इसके क्षेत्र इसमें लैंप की दक्षता घटती है, और निम्न धारा घनत्व को प्रसारित करने के लिए ट्यूब का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है। दूसरा आते लैंप की रोशनी 7.5 कैंडल पावर प्रति सेंटीमीटर होती है, इसलिए लैंप की लंबाई, इस ट्यूब की लंबाई अधिक रखी जाती है, और लंबाई कम स्थान घेरे इसलिए इसको यू आकार में मोड़ा जाता है। ठीक है, ये तो थी बात इसकी। अब बात करेंगे ट्यूब किसकी बनी होती है, ये ट्यूब किसकी होती है, बोरोसिलिकेट की, याद रखना, बोरोसिलिकेट की बनी होती है। बोरोसिलिकेट की क्यों, क्योंकि अधिक प्रेशर के साथ इसको, मतलब कि इसका प्रेशर और टेम्परेचर सहन कर सके, मजबूत। बोरोसिलिकेट क्या है, एक कठोर कांच होता है, कठोर कांच की होती है, समझ गए। अब ये तो थी इस ट्यूब की बात, इस ट्यूब की पूरी बातें कर ली मैंने आपको, अब देखेंगे इलेक्ट्रोड की बात, इलेक्ट्रोड किसके होते हैं, इलेक्ट्रोड का नाम लिख लो यहां पे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड की बात करते हैं यहां पे, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोड संरचना में, इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, इस चीज के होते हैं, टंगस्टन के होते हैं, लिख लो, टंगस्टन के होते हैं इलेक्ट्रोड, किसके होंगे, टंगस्टन की, हाई प्रेशर लो प्रेशर मर्करी वेपर में इलेक्ट्रोड किसके होंगे, टंगस्टन के होंगे, किसमें होंगे, क्वाइल्ड के रूप में होते हैं, ये क्वाइल्ड के रूप में होते हैं, कुंडलित ऐसे कुंडलन के रूप में होते हैं, कुंडलन के रूप में होते हैं या क्वाइल के रूप में होते हैं, ये मैंने आपको दिखाया है, एक बात आती है। और उसके बाद में देखा जाए इलेक्ट्रोड पर परत होती है, क्योंकि इसमें से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी उत्सर्जित हो, इसलिए इसके ऊपर बोरियम की परत या स्ट्रॉन्शियम की परत चढ़ाई जाती है, लिखना, इलेक्ट्रोड के ऊपर बोरियम या स्ट्रॉन्शियम की परत चढ़ाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, लिख लो, इलेक्ट्रोड पर क्या है, बोरियम या स्ट्रॉन्शियम की परत चढ़ाई जाती है, देखो पर चढ़ेंगे तीन कारण है, एक तो उसको ऑक्सीकरण से रोकना, दूसरा टेम्परेचर इसका मतलब कि जो तापमान बढ़ाना, तीसरा मेन जो मुख्य कारण है वो ये होता है कि ये थोड़ी सी ऊष्मा पाते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और गैस और सर्किट यहाँ से पूरा जल्दी हो सके, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे क्यों चढ़ाई जाती है, कि इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊष्मा पाते ही आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके,
इसलिए इसको इसके ऊपर बोरियम ऑक्साइड या स्ट्रॉन्शियम की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा इस लैंप, ये जो लैंप होता है ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर आसानी से और अच्छे दक्षता पर कार्य करता है। बहुत बार पूछा गया है कि इसका टेम्परेचर कितना रहेगा अंदर से, तो लिख लो यहाँ पे, ये 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी उच्चतम दक्षता पर आसानी से कार्य करते हैं। लेकिन यदि एग्जैक्ट मान देखा जाए तो 220 डिग्री पर आते ही अच्छे, उसके बाद में तो एगिंग दोष, जरण दोष शुरू हो जाता है, यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है, ज्यादा बोलते हैं। 220 डिग्री पर पूछा जाए इसमें उच्चतम दक्षता, उच्चतम दक्षता व उच्चतम क्षमता पर कार्य करता है, आसानी से कार्य करता है, समझ गए। ये तो उसका टेम्परेचर है कि अंदर से 220 डिग्री टेम्परेचर पर कार्य करेगा। अब और उसके बारे में क्या लिख सकते हैं इस लैंप के बारे में, कि ये लैंप, इस लैंप का उत्पन्न प्रकाश, देखो यहां तक इस ट्यूब की बात नहीं की मैंने, अब ये ट्यूब क्यों लगाई भाई, ये ट्यूब भी रोशनी कर सकती थी, ये ट्यूब क्यों लगाई, समझ गए बात को। इसलिए कह सकते हैं इस लैंप का प्रकाश, ये ट्यूब जो आपको रोशनी देगी, उसका प्रकाश वातावरण के तापमान से बहुत अधिक प्रभावित होता है, उसका प्रकाश वातावरण के तापमान से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, तो इसे वातावरण का प्रभाव न पड़े, कहने का मतलब वातावरण का टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर का 1% भी इसके ऊपर प्रभाव न पड़ सके, इसलिए इसको एक वैक्यूम ट्यूब होती है, दोहरी परत वाली, दोहरी शीशे की दोहरी परत है, दोहरी परत वाली वैक्यूम ट्यूब में रखा जाता है कि वातावरण का प्रभाव यहां पे आए, फिर वैक्यूम से टकराए, फिर यहां पे आए, यहां तक नहीं पहुंच सके। इसलिए क्या लिख सकते हैं इस ट्यूब के बारे में, कि इस ट्यूब पर, इस ट्यूब द्वारा या इस लैंप द्वारा उत्पन्न प्रकाश पर वातावरण के तापमान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। लिख लो यहां पे, इस ट्यूब को, ये ट्यूब क्यों लगाई बाहर की, ये लिख सकते हैं यहां पे कि इस ट्यूब, या लिख लो कि इस ट्यूब या लैंप द्वारा उत्पन्न प्रकाश पर वातावरण के तापमान का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब कि वातावरण का टेम्परेचर पहुंचेगा तो आपको रोशनी नहीं मिलेगी, ऐसे मान लो बहुत इसकी दक्षता बहुत घट जाएगी, पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसलिए लिख लो पड़ता है, इसलिए इस ट्यूब को एक दोहरी परत वाली वैक्यूम ट्यूब के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर जैकेट की भांति, एक जैकेट हो गया, एक पूरा जैकेट, क्योंकि जैकेट में होता है अपने बिल्कुल पैक हो जाए, हवा नहीं लगे अपने को, जैकेट होता है वो, तो अपने जैकेट नहीं पहनते हैं कि जैकेट इसमें हो कि बाहर की हवा भी अपने अपने पर, अपने शरीर पर प्रभाव न, उसको कहते हैं जैकेट, उस प्रकार से है। तो जैकेट एक प्रकार की, बाहर का वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सके, इसलिए इस डिस्चार्ज ट्यूब को दोहरी परत वाली वैक्यूम ट्यूब के जैसी जैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है, समझ गए बात को, इसलिए इसके ऊपर इसका वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो अब डिस्चार्ज ट्यूब नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर की दीवार यह है, अंदर की सतह यह है, ये अंदर की सतह, यहां फ्लोरोसेंट पाउडर, मैंने लिखा ना भूल गया, फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है। अब आप लोगों को बार बार बता चुका हूं कि फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन क्यों करते हैं, क्योंकि इस गैस विसर्जन से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण होगा, जो आदर्श किरणें होती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होते हैं, आदर्श होते हैं लेकिन नुकसानदायक होते हैं, अपने शरीर पर इफेक्ट प्रभाव मतलब प्रभाव डालने वाले हैं, लेकिन आदर्श किरणें होती हैं, उनको दर्श्य किरणों में कौन बदलेगा, ये फ्लोरोसेंट पाउडर होता है, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे हरे रंग का प्रकाश मिलेगा या सफेद रंग का प्रकाश देगा, लगभग ये फास्फोरस का ही लेपन होता है लगभग देखा जाए तो, या मैग्नीशियम टंगस्टेट का भी हो सकता है, फास्फोरस का हो सकता है, लेकिन यहाँ ये सकते हैं कि फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन होता है। अब फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन जो होता है उसकी उसको क्यों करते हैं, कि ट्यूब या गैस विसर्जन के दौरान उत्पन्न हुई पैराबैंगनी किरणों को प्रकाश किरणों में परिवर्तित करने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का लेपन किया जाता है। एक ये धीरे धीरे सारी बातें नोट लगा के लिख लेना आप लोग, आपको बहुत कामगार सिद्ध होंगे एग्जाम तक आप लोगों के लिए। ये तो थी बात इसकी। अब बात पूछा जाए कि यदि इसको सप्लाई से संयोजित करेंगे तो सोडियम है, सोडियम कठोर अवस्था ठोस अवस्था में होता है, आसानी से वाष्प बनने वाला नहीं है, इसलिए इस लैंप को हाई वोल्टेज प्रदान करना पड़ता है शुरू में, समझ गए, शुरू में हाई वोल्टेज प्रदान करना पड़ता है, इसे चोक की आवश्यकता होती है इसको,
तो लिख सकते हैं कि इसमें जो सोडियम है वो कैसा होता है, ठोस रूप में होता है। लिख लो ठंडी अवस्था में ये सोडियम है, लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिखा देता हूँ सोडियम के बारे में। सोडियम ठंडी अवस्था में, ठंडी अवस्था में सोडियम ट्यूब के अंदर की सतह पर, दीवार कर लो, सतह कर लो एक बात है, दीवार पर ठोस के रूप में जमा होते हैं, ठोस के रूप में जमा होता है। और जो मरकरी थी वो एक तरल के रूप में होती है, ये ठोस के रूप में है, मरकरी तरल के रूप में वो जल्दी वाष्प बन जाती है, जल्दी वाष्प नहीं बनता है। इसको पूर्ण वाष्प होने में सोडियम को कम से कम 10 से 20 मिनट का लगता, मिनिमम देखा जाए तो 10 मिनट लगते हैं, 10 से अधिक मिनट भी लग सकते हैं, यदि प्रॉपर रूप से सप्लाई नहीं मिले तो 10 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से उसको 10 मिनट तो चाहिए। अब देखो इसके पीछे का सर्किट देखते हैं, सर्किट में क्या करेंगे, एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगाएं इसके ऊपर, इसके पीछे का सर्किट दिखाता हूं आप लोगों को। अब इसको सर्किट से इसकी वर्किंग देखते हैं, यहां पे क्या देखेंगे, वर्किंग में सबसे पहले सर्किट में क्या करेंगे, एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगा देता हूं मैं, जैसे हाई रिएक्टेंस ऑटो ट्रांसफार्मर हो सकता है, ये लगा दिया हाई रिएक्टेंस ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ये लगा दिया ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये लगा दिया कैपेसिटर बैंक, और ये दे दी आप लोगों ने सप्लाई, कैसी दी, एसी सप्लाई दी, ये सी लगाया, ये हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, हाई इसकी भी कार्य बताऊंगा आप लोगों को, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर सॉरी, हाई रिएक्टेंस ऑटो, ये हो गया आपका सर्किट पूरा। कहने का मतलब चौक भी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या लगे, एक चौक होता है, आजकल चौक लगाने शुरू कर दी, चौक भी कहते हैं हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर, लेकिन चौक के साथ क्या लगा दिया, एक इग्निटर लगा दिया है, ये इग्निटर की भांति कार्य करता है, इग्निटर एक प्रज्वलक होता है, उसके भी कार्य बताऊँ आप लोगों को, समझ गए। पहले एक चीज देखो कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, सोडियम होता है, वो मैंने आपको लिख, सोडियम होता है, मैंने आपको ये आपको लिखा था, सोडियम नियोन और आर्गन, कितने आर्गन गैस 1%। अब पूछा जाए कि इसमें ये दोनों चीजें होती हैं तो आर्गन गैस भरने का मुख्य 1% आर्गन क्यों भरी, पूछा जाए कि इसको लैंप को आसानी से प्रचालित करने के लिए, लैंप के स्टार्टिंग के समय आसानी से, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी सर्किट को पूरा करने की कोशिश करती है आर्गन गैस, इसलिए लिख सकते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में नियोन गैस प्लस ऑर्गन गैस भरी जाती है, ऑर्गन गैस का मान 1% होता है, ऑर्गन गैस लैंप में लैंप को आसानी से प्रचालित कर सकती है, इसलिए लैंप को आसानी से प्रचालित करने के लिए स्टार्टिंग के समय कम वोल्टेज की आवश्यकता हो, स्टार्टिंग के समय कम वोल्टेज की आवश्यकता हो, इसके लिए लैंप में 1% ऑर्गन गैस भर दी जाती है, तो जल्दी से इसको प्रचालित कर सके और वोल्टेज कम मिल सके। ये तो थी, अब इसकी लिखेंगे वर्किंग, वर्किंग लिख लो इसकी, वर्किंग में आपको लिखवा दूंगा, सप्लाई से संयोजित करेंगे तो क्या क्या होगा, लिख लो, जब लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगी, आप लोग सारी बातें देख चुके हो, ये प्रक्रिया होगी कि इसमें ये नियोन गैस भरी पड़ी है, क्या है, नियोन गैस है, ऑर्गन गैस है, ये जब तक सोडियम ठोस अवस्था से वाष्प नहीं बनेगा तब तक ये नियोन गैस की नियोन लैंप की भांति प्रसारित होता है, लिख लो, जब लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो ये लैंप नियोन लैंप की भांति प्रचालित होकर, न्यून लैंप की भांति प्रचालित होकर, क्योंकि न्यून गैस भरी पड़ी है वो तुरंत ही अपनी रोशनी देती है, ऑर्गन गैस इसका सर्किट को पूरा करती है और न्यून गैस रोशनी देना शुरू कर देती है, कैसे देगी, लाल गुलाबी रंग की रोशनी देगी। लिख सकते हैं जब लैंप को सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो ये लैंप न्यून गैस की भांति प्रचालित होकर लाल गुलाबी रंग की रोशनी देना शुरू कर देता है, पहली कंडीशन इसकी आती है। तो सोडियम वेपर लैंप को जब भी जलाओगे तो सबसे पहले पूरा प्रकाश नहीं मिलेगा, लाल रंग का या गुलाबी रंग का प्रकाश मिलेगा आप लोगों को, समझ गए, लाल रंग के और प्लस गुलाबी रंग का कुछ मिक्स प्रकाश मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आगे मतलब सारी बातें लिखे हैं, आगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड देखो कि यहाँ ये इलेक्ट्रोड, यहाँ गैस गर्म होगी, नियोन गैस गर्म होगी, आर्गन गैस गर्म होगी, इलेक्ट्रोड गर्म होने शुरू होंगे, इलेक्ट्रोड जो भी गर्म होते हैं तो यहाँ से हीट उत्पन्न होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड गर्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, धारा प्रवाहित होती है तो आर्गन गैस के जो परमाणु होते हैं नियोन गैस के उसके टकराव होता है और हीट उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये सारी बातें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि लैंप अर्थात ट्यूब में जब गैस डिस्चार्जिंग क्रिया चालू होती है, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि गैस डिस्चार्जिंग क्रिया नियोन गैस ही डिस्चार्जिंग और ऑर्गन गैस डिस्चार्जिंग क्रिया चालू करती है,
जब ट्यूब में या लैंप में गैस डिस्चार्जिंग क्रिया चालू होती है, जब लैंप में गैस डिस्चार्जिंग क्रिया चालू होती है तो लैंप में या ट्यूब में हीट उत्पन्न होती है। हीट उत्पन्न होगी, मैंने आपको पहले हीट उत्पन्न होती है, और जिससे क्या होगा, इस गैस का रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि कौन सी गैस है, मैंने आपको बताया, ये तीनों की तीनों है निष्क्रिय गैस है, और निष्क्रिय गैस क्या होती है, इनको गर्म करने से इसका प्रतिरोध घटता है, बोलो, इसका आर घटेगा, अंदर का आर कम होगा, अंदर का आर कम होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से गुजर जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, जब लैंप में गैस का डिसर्जन या विसर्जन शुरू होता है तो ट्यूब में हीट उत्पन्न होती है, जिसके कारण गैस का रेजिस्टेंस घटता है और सोडियम वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, सोडियम वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है और ट्यूब के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। लिख लेने के बाद, जब लैंप में गैस का डिसर्जन ये विसर्जन शुरू होता है तो हीट उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होगी तो क्या होगा, गैस का प्रतिरोध घटेगा, घटेगा तो अंदर से विद्युत इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से उस हीट से और सोडियम का वाष्प, सोडियम वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लैंप को हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। इस डिस्चार्जिंग क्रिया को चालू करने के लिए लैंप को सामान्य से अधिक वोल्टेज चाहिए। लिख लेना, गैस में लैंप में डिस्चार्जिंग क्रिया चालू करने के लिए लैंप को सामान्य से अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। अब आपसे यह पूछा जाएगा, तो हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर ये है, ये लिखा है, ये इसका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, VR कैसा होता है, वोल्टता अनुपात कैसा होता है, ये होगा इसका वोल्टेज रेगुलेशन की बात की जाए तो ये कम होता है, बहुत कम होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान बहुत कम होता है। लिख लेना, इसका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत कम होता है और हाई रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का मान उच्च, रिएक्टेंस क्या है, एक प्रकार का एक्सेल का मान है, एक्सेल क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन आजकल इसको लगाना बंद कर दिया, पहले लगते थे, आजकल क्या लगे, चौक के साथ इग्निटर लगा दिया है। इग्निटर हाई प्रेशर में रखी वेपर लैंप पढ़ेंगे तब बताऊंगा आप लोगों को मैं क्या इग्निटर है, समझ गए। तो ये क्या है, एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो क्या करता है, वोल्टेज को शुरू में वोल्टेज अधिक देता है और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप करके धारा को सीमित करता है। लेकिन आजकल इग्निटर लगे, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें अगला लैंप पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक है। तो अब ये तो थी बात इसमें, अब देखो यहां से क्या होगा, ये सोडियम जब वाष्प में नहीं बदल जाएगा तब तक आपको रोशनी लाल पीले रंग की मिलेगी। इसको बदलने में कितनी मिनट लगेंगे, कम से कम 10 मिनट लगने, 10 से 15 मिनट लिख सकते हैं, लैंप 10 से 15 मिनट बाद पूर्ण रूप से हल्के पीले रंग का प्रकाश देना शुरू कर देता है। लिख लेना, लैंप 10 से 15 मिनट बाद हल्के पीले रंग के प्रकाश के साथ पूर्ण रूप से प्रकाश देना शुरू कर देता है, हो गया। अब उसके बाद लास्ट प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि ये वाष्प में बदलेगा तो एक तो इसकी वाष्प होगी, आर्गन गैस होगी, नियोन गैस पूर्ण रूप से मतलब विसर्जन होगी, उसका डिस्चार्जिंग क्रिया होगी, होगी ना पूरी, उसके इलेक्ट्रोड भी गर्म हो गए तो अब क्या होगा, अंदर से धारा प्रवाहित होगी। तो लिख सकते हैं जब लैंप चालू हो जाता है लास्ट में क्या होगा, लैंप जब चालू हो जाता है, चलो मानो चालू हो गया तो और क्या बच गया, इसके अंदर क्या बच गया, तो लिख लो, ट्यूब में गैस का प्रतिरोध कम हो जाता है, बोलो होगा कि नहीं होगा, आर कम होगा क्योंकि सब कुछ प्रोसेस होगी, गैस का प्रतिरोध कम हो गया, तो प्रतिरोध कम होने से धारा का मान बढ़ जाता है, प्रतिरोध कम होने से धारा का मान बढ़ जाएगा और लैंप आसानी से कार्य करता रहेगा, प्रतिरोध कम होने से धारा का मान बढ़ जाएगा और हाई रिएक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। लिख लेना, प्रतिरोध कम होने से धारा का मान ट्यूब के अंदर से बढ़ जाएगा, हाई रिएक्टेंस के कारण ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ड्रॉप कर लेगा और वोल्टेज को घटा देगा, और लैंप आसानी से लगातार कार्य करता रहेगा। यह तो थी इसकी वर्किंग। अब आपसे पूछा जाएगा, सारी बातें आपको बताइए क्या काम करता है, ये कैपेसिटर क्या काम करता है पूछा जाएगा, ये लिख लेना, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर क्या लिखेगा, हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर सर्किट के पावर फैक्टर को, सर्किट के कोस फाई को लो कर देता है, लो करता है, इसलिए सर्किट के, कौन से सर्किट के, लैंप सर्किट के पावर फैक्टर कोस फाई, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए
हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर के समानांतर में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। बस ये क्या करता है सर, कि इस पूरे के सर्किट के पावर फैक्टर को बढ़ाता है। ये तो थी, अब देखेंगे इसकी आउटपुट कितनी होती है। मैक्सिमम आउटपुट इसके 110 लुमेन प्रति वाट होती है। ये सारी बातें एक साथ लिखा दूंगा। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होगा, सोडियम वेपर लैंप की आउटपुट 110 लुमेन प्रति वाट होती है। इसके लाइफ की बात कीजिए, लाइफ कितनी होती है, 6000, औसत 6000 कार्य घंटे से अधिक होती है, कार्य घंटे से अधिक होती है। और कहां तक पहुंच जाती है, लगभग 24000 घंटे तक चली जाती है। 24000 औसत में देखा जाए, यदि लगातार कंटिन्यू चलता रहे तो 24000 घंटे से। लेकिन बार बार चलाओगे, ट्रिप करोगे, बार बार चलाओगे, ट्रिप करोगे, फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको वो जीर्ण दोष हो जाएगा, उससे क्या लाइफ औसत रूप से 6000 घंटे से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ये तो था आप लोगों का लो प्रेशर मर्करी वेपर लैंप। यदि यहाँ पे आपको किसी प्रकार की समस्या नजर आई हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया है। आप लोगों को फिर से दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार हुए वो आपको बताना कि सर हमारे मन में इस वीडियो के प्रति ये विचार है, आप कमेंट से लिख के जरूर बताना। और दोस्तों टेक्निकल हेल्पर की बात की जाए, भर्ती की बात की जाए, तो ऐसे मान लो कि अगले महीने में भर्ती आ जाएगी, आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, तो आप सिलेबस को कितनी जल्दी से कवर करते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी शानदार रूप से करवाया कि आप लोग देखोगे तो शायद आपको यूट्यूब पे इतनी क्लासें एक साथ और एक प्लेलिस्ट में और नियमित पैटर्न के आधार पर मिलने वाली नहीं है, आप पैड कोर्स में भी आपको मिलने वाली नहीं है। तो आप अच्छे से अच्छी तैयारी करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, थैंक यू, धन्यवाद।